हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज बात करने वाले हैं दिवाली मौके पर रिलीज हुई मूवी के बारे में, जिसका नाम है सिंघम अगेन, जो कि भाई क्लैश हुई है भूल भुलैया 3 के साथ। लेकिन यार क्या सॉलिड मूवीज चल रही हैं दोनों ही। दोनों का क्लैश होने के बावजूद दोनों मूवीज ने इतना अच्छा खासा कलेक्शन किया है। लेकिन यार आज इस मूवी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये मूवी वर्थ इट है देखने लायक या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूंगा। मूवी को रेटिंग्स दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स रेटिंग। तो भाई आगे बढ़ते हैं स्टोरी टाइमलाइन के साथ। पहले ही फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर रोहित शेट्टी एक कोप यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें भाई ऑलरेडी 5 मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें भाई सिंघम की 2 मूवीज और भाई एक सिम्बा और सूर्यवंशी, और इसके बाद भाई ये 5th मूवी है सिंघम अगेन, जो उनकी भाई कोप यूनिवर्स में है। और ये भाई सारी मूवी इस पिछली मूवीज के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, क्योंकि भाई इसमें आपको पिछली मूवीज से भी कई एंट्रीज देखने को मिलने वाली हैं। तो भाई मूवी का स्टोरी टाइमलाइन तो काफी प्रेडिक्टेबल है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देख ही लिया है ऑलरेडी। लेकिन भाई उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है रोहित शेट्टी के द्वारा, तो वो भाई देखने लायक है। मैं आपको पहले भी भाई जब रिव्यू किया था ट्रेलर का, तो बोला था कि इसको गुड़ गोबर ना कर दें भाई आदि पुरुष की तरह। तो वो भाई बहुत ही सेंटिमेंटली बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है, और रामायण को जिस तरीके से यार स्टोरी से कनेक्ट किया है वो बहुत ही भाई देखकर मजा आ गया। इसके बाद भाई ग्रैंड सेट्स दिखाए गए हैं, ग्रैंड एक्शन सीन्स हैं, ग्रैंड फाइट्स दिखाई गई हैं, और भाई एंटरटेनमेंट के लिए अपने रणवीर सिंह रखे गए हैं सिम्बा, जो कि भाई परफेक्ट टाइम पर एंट्री लेते हैं। और भाई इतना बोलना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर आपको स्टार्स इस मूवी में देखने को मिलेंगे, तो भाई उनका चाहे स्क्रीन स्पेस कम हो ज्यादा हो, लेकिन यार परफेक्ट टाइम पर एंट्री लेना मूवी में और भाई एक रेलिवेंस रखना मूवी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि भाई रोहित शेट्टी ने करके दिखाया है। इतने स्टार्स को पहले तो एक साथ मूवी में लेकर आना, और उसके बाद भाई उनका रेलिवेंस हर जगह पर, जहां पर भी उनकी एंट्री होती है वहां पर दिखाना, तो वो भाई मेरे लिए बहुत ही काबिले तारीफ था, जो कि भाई रोहित शेट्टी साहब ने बहुत ही बढ़िया किया है। और भाई मूवी बहुत ही बढ़िया लगती है, इसमें एक्शन सीन्स बहुत ही बढ़िया दिखाए गए हैं। अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की एंट्री एक भाई हाईलाइट रहेगी इस मूवी की। इसके साथ साथ एक और कैमियो दिखाया गया, जो कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का है, जो कि शायद आप पोस्ट क्रेडिट सीन भी बोल सकते हैं। तो भाई कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे यार इतना मजा नहीं आया उस 20 सेकंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब भाई अगर मूवी के विलन की बात करें, तो जिसका रोल प्ले किया है भाई अर्जुन कपूर ने, जो कि भाई पहली बार शायद हो सकता है विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, डेंजर लंका के रूप में भाई उनको बुलाया गया है मूवी में, और भाई वाकई में डेंजर नजर आते हैं। जब फर्स्ट हाफ में उनका जो रोल दिखाया गया, एंट्री सीन उनका बहुत ही बढ़िया था यार, जो बिल्डअप पहले दिखाया गया उनकी एंट्री से पहले भाई वो कमाल का था। इसके बाद जब उनकी एंट्री होती है वो बहुत ही धमाकेदार दिखाई गई, लेकिन यार लास्ट में थोड़ा सा मुझे लगता है फीका पड़ गया यहाँ पर अर्जुन कपूर का जो रोल था। लेकिन ओवरऑल भाई बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर हर एक करेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी, चाहे भाई वो करीना कपूर की एंट्री हो, करीना कपूर की एक्टिंग हो, दीपिका पादुकोण हो। मुझे लगा था यार दीपिका पादुकोण भी ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है ट्रेलर में, ट्रेलर देखकर तो भाई ऐसा ही लगा था, लेकिन मूवी में भाई उनका रोल बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। चाहे उनको स्क्रीन स्पेस कम दिया, लेकिन आने वाले टाइम में यार उनकी हो सकता है इंडिविजुअल मूवी भी आए, क्योंकि लेडी सिंघम फर्स्ट दिखाई गई है यहाँ पर इस स्कोप यूनिवर्स में, तो भाई आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। इसके बाद टाइगर श्रॉफ कम बोले हैं, लेकिन जितना बोले हैं अच्छा बोले हैं, और भाई मूवी में उनका रोल भी अच्छा दिखाया गया। तो भाई अजय देवगन तो आप जानते ही हैं बाजीराव सिंघम है, तो भाई एक्टिंग तो वो बहुत ही बढ़िया करते हैं, अजय देवगन से कभी भी ओवर एक्टिंग की शिकायत नहीं रहती, तो वो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। इसके बाद यार अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, जिसे भाई रवि बसरूर ने दिया है, तो भाई वो कमाल का देखने को मिला है, वो भाई उसने जान डाल दी मूवी में। अगर बोले तो रवि बसरूर यार हमेशा अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने भाई इस मूवी में भी करके दिखाया है, कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। मुझे तो भाई म्यूजिक बहुत ही बढ़िया लगा यार, जो इसका टाइटल ट्रैक था ना सिंघम अगेन का, बहुत ही बढ़िया लगता है जब ऑन दी स्क्रीन हम भाई मूवी में इसको बजते हुए देखते हैं, तो भाई परफेक्ट टाइम पर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। और भाई रणवीर सिंह की तो मैं क्या ही बात करूं, उन्होंने एंटरटेनमेंट का ऐसा डोज दिया है कि भाई लोग अब बोलने लगे हैं सिम्बा 2 कब आएगी, तो भाई सिम्बा 2 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन इससे पहले आप भाई इस मूवी में उनको एंजॉय कीजिए, बहुत ही कमाल का भाई उनका स्क्रीन स्पेस दिया गया है, जो उन्होंने कॉमेडी टाइमिंग्स की है, तो भाई लोगों को बोर नहीं होने दिया उन्होंने, 2 घंटे 40 मिनट की जो मूवी थी, तो बहुत ही बढ़िया भाई उनका जो स्क्रीन स्पेस है बहुत ही बढ़िया लगा। तो ओवरऑल यार मूवी बहुत ही बढ़िया थी, चाहे स्टोरी टाइमलाइन प्रेडिक्टेबल था, लेकिन उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया है,
तो भाई इसीलिए इस मूवी को रेटिंग्स दी है 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।